हेलो एंड वेलकम एवरीवन आज मैं आप सभी के लिए टॉप ट्वेंटी एमसीक्यू क्वेश्चंस लाई हूँ हॉर्टिकल्चर का अभी तक हमने फोर लेक्चर कवर कर लिया है हॉर्टिकल्चर हो, का अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ये सारे क्वेश्चन उन्हीं में से है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये सारे ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी के लिए ये आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है कमेंट में आपको आंसर्स भी लिखने हैं ठीक है थीके? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं टॉप ट्वेंटी एमसीक्यू क्वेश्चन आस्ट इन प्रीवियस एग्जामिनेशन तो पहला जो क्वेश्चन है विच इज मैंगो विच मैंगो वेराइटी इल्ड ऑन एन एवरेज सिक्सटी टन पर हेक्टेयर एंड अबाउट सिक्सटीन हंड्रेड प्लांट कैन बी क्टेयर ऐसा कौन सा मैंगो का वेराइटी है जिसका एल्ड जो है, होता है वन हेक्टेयर में ठीक है तो ऐसी कौन सी वेराइटी है इनमें से जिसका एल्ड सिक्सटीन टन और प्लांट पॉपुलेशन सिक्सटीन हंड्रेड प्लांट होता है तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है वो आम्रपाली होगा ठीक है आम्रपाली मैंगो की ऐसी वेराइटी है जिसको जिसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी लगाया जाता है मैंने आपको जब प्लांट पॉपुलेशन पढ़ाया था या फिर जब मैंने आपको औचार पढ़ाया था लेआउट जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आम्र वाली ऐसी वेराइटी है मैंगो की जिसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाया जाता है सिक्सटीन टन इसका पर हेक्टेयर इसका इल्ड होता है और सिक्सटीन प्लांट पॉपुलेशन आते हैं वन हेक्टेयर में की बात करें, तो is, ये भी आपको लेआउट पढ़ाया था ठीक है लेआउट आउट या फिर जो आपको प्लांटिंग सिस्टम पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि इंटेंस मेथड किस मेथड को कहते हैं तो राइट right आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा डी हेक्सागोनल मेथड हेक्सागोनल मेथड जिसको हम इंटेंस मेथड ऑफ प्लांटिंग भी कहते हैं जिसमें सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा था इस तरीके से था ना सिक्स आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा था फिफ्टीन परसेंट मोर प्लांट एकोमोडेट करते हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम ठीक है तो राइट right आंसर जो होगा वो हमारा हेक्सागोनल मेथड है राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट इनमें से कौन सा है जो हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ट्रॉपिकल फ्रूट सब ट्रॉपिकल फ्रूट और टेम्परेट फ्रूट पूछा जाता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो है इनका वो डायरेक्ट पूछा जाता है ठीक है तो इनमें से कौन सा है जो हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है डेट इज पपाया पपाया जो है वो हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट है एप्पल पियर और स्ट्रॉबेरी हमारे टेम्परेट फ्रूट्स हैं ठीक है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोपगेशन मेथड इन बनाना बनाना में जो प्रोपगेशन मेथड होता है इनमें से कौन सा मेथड है तो राइट right आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज सकर्स सकर जो है वो हमारा बनाना का प्रोपगेशन मेथड है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है इन विच मेथड ऑफ प्लांटिंग सिस्टम 15% मोर प्लांट एकोमोडेटेड इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें 15% मोर प्लांट अकोमोडेट होता है मैंने अभी ही बताया था राइट right आंसर की बात करें तो हेक्सागोनल हेक्सागोनल मेथड में 15% परसेंट मोर प्लांट एकोमोडेट होते हैं सिक्स क्वेश्चन इज लेट ब्लाइट इज द डिजीज ऑफ लेट ब्लाइट जो है वो कौन सा किसका डिजीज है ठीक है तो राइट right आंसर की बात करें तो राइट right आंसर जो है वो पोटैटो पोटैटो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट दोनों लगता है इसमें तो लेट ब्लाइट डिजीज जो है वो हमारा पोटैटो से रिलेटेड है सेवन क्वेश्चन इज वेन प्लांट इज प्रोपेटेड बाई स्मॉल टिश्यू और पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज जब हमारा प्लांट को प्रोपोगेट किया जाता है स्मॉल टिश्यू से या फिर प्लांट के पार्ट से तो उसको हम क्या बोलते हैं माइक्रो माइक्रोपोपेशन एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स या टी वर्डिंग राइट right आंसर की बात करें तो राइट right आंसर होगा हमारा माइक्रो माइक्रो माइक्रोपोपेशन में हम टिश्यू कल्चर या फिर टिश्यू के या फिर प्लांट के पार्ट से हम प्रोपगेशन करवाते हैं क्वेश्चन नंबर एट इज ई मेच्योर ग्रीन फ्रूट टर्न इन टू एडिबल डिजायरेबल फ्लेवर क्वालिटी कलर पेलेटेबल नेचर विथ इथलीन ट्रीटमेंट ऐसे कौन से फ्रूट्स होते हैं ई मेच्योर या ग्रीन फ्रूट्स होते हैं जिनमें हम इथिलीन ट्रीटमेंट करके उसको एडिबल बनाते हैं उसमें फ्लेवर डेवलप किया जाता है क्वालिटी कलर और, पे, और पेलेटेबल नेचर डेवलप किया जाता है मेच्योरिटी बोलते हैं एक्सेप्टेबल फ्लेवर राइपनिंग या सेनेसेंस होता है तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा राइपनिंग राइपनिंग में ही हमारा ग्रीन फ्रूट जो होता है वो हमारा मेच्योर पक चुका होता है तो उसको हम राइपनिंग बोलते हैं सेनेसेंस का मतलब होता है कि वो ज्यादा ओवर राइप हो जाएगा जब वो बूढ़ा होने लगता है प्लांट तो उसको सेनेसेंस कहते हैं मेच्योरिटी मतलब फ्रूट मेच्योर हो चुका होता है तो राइट right आंसर जो होगा वो हमारा राइपनिंग होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो कंडीशन वेयर टू बैचेस ऑफ मेल फ्लावर एंड टू बैचेस ऑफ फीमेल फ्लावर आर सेपरेटेड टेम्परली दिस कंडीशन इज नोन एज ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें कि दो बैच मेल का और दो बैच फीमेल को अलग किया जाता है टेम्पररी टाइम के लिए उसको हम क्या बोलते हैं डाइकोगी होमोगैमी डुओ डाइकोगामी डुओ होमोगी आपको डाइकोगी पता होगा होमोगी भी पता होगा होमोगैमी जब मेल और फीमेल एक साथ मेच्योर हो जाते हैं तो उनको होमोगैमी किया कहा जाता है डाइकोगेमी जब डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होते हैं तो डाइकोगी कहा जाता है लेकिन यहाँ पे टू बैचेस की बात की गई है तो टू बैचेस की बात किया जाएगा तो वो हमारा होगा डूओ डाइकोगैमी राइट आंसर इज डूओ डाइकोगैमी टेंथ क्वेश्चन इज मेथड फॉर लेयरिंग फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट इज टू प्रोपगेट मेनी ऑफ स्टेम थिक थिक स्टेम्ड और क्लोजली ब्रांच्ड प्लांट स्पेशली वेन इट इज डिजायरेबल टू रूट ऑल द ब्रांचेस इसमें कौन सा लेयरिंग यूज किया जाता है जिसमें कौन सा मेथड ऑफ लेयरिंग यूज किया जाता है जिसमें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं प्लांट का थिक स्टेम रहता है और क्लोजली ब्रांच ब्रांच प्लांट को लिया जाता है ठीक है तो एयर लेयरिंग होगा ट्रेंच लेयरिंग टी बडिंग या माउंड लेयरिंग होगा राइट आंसर की बात करें तो राइट right आंसर जो होगा वो हमारा माउंट लेयरिंग होगा माउंट लेयरिंग क्योंकि यहाँ पे एयर एयर में का बात नहीं किया गया है ट्रेंच लेयरिंग में पूरे प्लांट को अंदर कर देते हैं टी बर्डिंग में टी शेप का बर्ड कट देते हैं लेकिन यहाँ पे लेयरिंग का टाइप्स बात किया गया है तो जिसमें हमारा क्लोजिव ब्लाच जो होता है थिक स्टेम होता है वहां पे हम मिट्टी को चढ़ा देते हैं प्लांट पे इसका रूट है तो रूट से ऊपर यहाँ पे हम मिट्टी को चढ़ा देते हैं ठीक है यहाँ पे थिक पार्ट होता है तो इसी को हम माउंट लेयरिंग कहते हैं तो राइट आंसर इज माउंट लेयरिंग क्वेश्चन नंबर इलेवन इज विच ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर डील्स विथ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर होता है जो कि हमारा वेजिटेबल से रिलेटेड होता है तो राइट आंसर इसमें तो बिना देर के आपको आंसर करना चाहिए ओलरिकल्चर ऑलेकल्चर है वेजिटेबल से रिलेटेड होता है पोमोलॉजी फ्रूट से रिलेटेड होता है फ्लोरिकल्चर फ्लावर से रिलेटेड होते हैं और हॉर्टिकल्चर हमारा ओवरऑल जो होता है इन सारे को मिला के ओवरऑल जो है वो हमारा हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं क्लियर तो राइट आंसर इज ओलरिकल्चर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट एंड स्टेट ऑफ फ्लावर पहला फुल ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है और स्टेट ऑफ फ्लावर किसको कहा जाता है तो फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट जो है राइट आंसर इज सिक्किम सिक्किम जो है वो हमारा पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना ठीक है और यहाँ इसको हम स्टेट ऑफ फ्लावर भी कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लावर क्यों कहते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइए यहाँ पे कौन से फ्लावर को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है जिसके वजह से इसको स्टेट ऑफ फ्लावर कहते हैं तो ये आप ये आप मुझे कमेंट में बताइए तो सिक्किम जो है वो हमारा पहला ऑर्गेनिक स्टेट है और लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप जो है वो हमारा फर्स्ट यूटी अगर यूटी पूछा जाए तो पहला यूटी है जो हमारा फुल्ली ऑर्गेनिक बना ठीक है स्टेट सिक्किम है और यूटी की बात करें यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक यूटी है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट टेम्परेट फ्रूट का किंग किसे कहा जाता है तो राइट right आंसर की बात करें तो एप्पल एप्पल जो है जिसको हम किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज टाइप ऑफ फाउंड इन एप्पल एप्पल में कौन से टाइप का एपोमिक्सिस पाया जाता है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस पार्थेनोकार्पी रिकरेंट एपोमिक्सिस या फिर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज रिकरेंट एपोमिक्सिस एप्पल में रिकरेंट एपोमिक्सिस पाया जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज कमर्शियल मेथड ऑफ बेर प्रोपेगेशन बेर का कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपिगेशन क्या है राइट right आंसर की बात करें तो टी बर्डिंग इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन बेर टी बर्डिंग हमारा कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है बेर में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट वुड नॉट बी यूजफुल इन केस ऑफ सीडलेस फ्रूट समें पॉसिबल नहीं है ठीक है डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस वुड नॉट बी यूजफुल किसमें यूजफुल नहीं होता है डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर पोमीग्रेनेट पोमीग्रेनेट ऐसा फ्रूट है जिसमें हमारा सीडलेस फ्रूट यूजफुल नहीं होते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इज मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड मेल पार्ट प्लांट के मेल पार्ट को क्या कहते हैं ये जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट के पार्ट्स पार्ट्स मैंने पढ़ाया था वहां पे मैंने अच्छे से आपको बताया था कि मेल पार्ट क्या होता है फीमेल पार्ट क्या होता है किसके ग्रुप को क्या कहते हैं ठीक है ये सारे चीज मैंने आपको बताया हुआ है तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा एंड्रोशियम एंड्रोशियम हमारा मेल पार्ट होता है एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमिन बोलते हैं ये अगर ओवरऑल रहता तब हम इसको मेल पार्ट बोलते हैं तो मेल पार्ट हमारा एंड्रोशियम होता है गायनोशियम हमारा फीमेल पार्ट होता है तो राइट आंसर इज एंड्रोशियम सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एटीन इज प्रोटेंड्री टाइप ऑफ फ्लावर इज फाउंड इन किस किसमें होता है प्रोटेंड्री का मतलब होता है कि हमारा मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए फीमेल के कंपैरिजन तो उसको हम प्रोटेंड्री बोलते हैं ठीक है थीके? तो प्रोटेंड्री टाइप ऑफ फ्लावर किसमें पाया जाता है पोटैटो अनियन टोमेटो या फिर गार्लिक राइट right आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज ओनियन ओनियन में हमारा प्रोटेंड्री होता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज बोटेनिकली फ्रूट ऑफ ब्रिंजल इज फ्रूट ऑफ फ्रूट टाइप क्या है ब्रिंजल का स्टोन ड्रोप बेरी या फिर पोम राइट आंसर इज बेरी बेरी जो है वो हमारा फ्रूट टाइप होता है ब्रिंजिल का एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिलर प्लांट इज प्रेजेंट इन विच मैथड ऑफ प्लांटिंग सिस्टम इनमें से ऐसा कौन सा मैथड ऑफ प्लांटिंग सिस्टम है जिसमें कि फिलर प्लांट पाया जाता है फिलर प्लांट मैंने आपको बताया था इस तरीके का प्लांटिंग होता है और बीच में एक प्लांट लगाया जाता है और कॉर्नर पे चार प्लांट होते हैं और ये बीच प्लांट को ही हम फिलर प्लांट कहते हैं तो ये इनमें से कौन सा प्लांटिंग सिस्टम है जिसमें फिलअप प्लांट लगाया जाता है अवर राइट आंसर इज क्विंकर्स क्विंकस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम अब फिलअप प्लांट लगाते हैं जो कि हमारा अर्ली ड्यूरेशन का प्लांट रहता है जिसमें हमारा कॉर्नर प्लांट के मैच्योर होने से पहले ही हम इस प्लांट से हार्वेस्टिंग ले लेते हैं तो उसको हम फिलर प्लांट कहते हैं जिसका कॉर्नर से डिस्टेंस जो है वो टेन मीटर या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए ठीक है ताकि ये इनका जो ब्रांचेस है वो ओवरलैप ना कर पाए इनको प्रॉपर शेड मिल जाए ठीक है तो फिलर प्लांट जो है वो क्विंकस मेथड में यूज किया जाता है जो बीच वाले प्लांट होते हैं उनको हम फिलअप प्लांट कहते हैं तो ये थे हमारे ट्वेंटी क्वेश्चन आई हो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी करना है आपको ठीक है तो आज के लिए इतना ही आगे हम हॉर्टिकल्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये आपका रिवीजन टाइप क्वेश्चंस था ठीक है तो आगे हम हॉर्टिकल्चर पढ़ते रहेंगे तो वीडियो को जरूर देखिए थैंक यू थैंक फॉर वॉचिंग